हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है नए द्वार। एक दिन बाजार जाते समय रास्ते में अनामिका भाभी मिल गई। बड़ी उदास दुखी लग रही थी। मैंने कारण पूछा तो उबल पड़ी, बोली, क्या बताऊं तुम्हें अंजू, माताजी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। गाँव में पड़ी थी अच्छी खासी, इन्हें शौक चरमराया। माँ की सेवा का ले आए मेरे सिर पर मुसीबत, अब मैं भुगत रही हूँ। भाभी की आवाज कुछ ऊंची होती जा रही थी, कुछ क्रोध से, कुछ खीज से। रास्ते में आते जाते लोग अजीब नजरों से हमें घूरते जा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ कर कहा, चलो ना भाभी, पास ही किसी होटल में चाय पी लें, वहीं बातें भी हो जाएंगी। भाभी मान गई और तब मुझे उनका आधा कारण मालूम हुआ। अनामिका भाभी मेरे रिश्ते की भाभी नहीं है, पर उनके पति आकाश भैया और मेरे पति विमल एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी कारण हमने उन दोनों से भैया भाभी का रिश्ता जोड़ लिया है। आकाश भैया की माँ छोटकी चाची के नाम से गांव में काफी मशहूर हैं। बड़ी सरल, खुश मिजाज और परोपकारी औरत हैं। गरीबी में भी हिम्मत से इकलौते बेटे को पढ़ाया, तीनों बेटियों की शादी की। अब पिछले कुछ वर्षों से चाचा की मृत्यु के बाद आकाश भैया उन्हें शहर लिवा लाए। कह रहे थे कि वहां माँ के अकेली होने के कारण यहाँ उन्हें चिंता सताती रहती थी, फिर थोड़े बहुत रुपए भी खर्चे के लिए भेजने पड़ते थे। तभी से यह मुसीबत मेरे पल्ले पड़ी है, अनामिका भाभी बोली। इन्हीं का खर्चा चलाने के लिए तो मैंने भी नौकरी कर ली, कहीं इन्हें बुढ़ापे में खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी न हो। पर अब तो उनके पंख निकल आए हैं। सो कैसे, तुम ही घर आकर देख लेना, भाभी चिढ़ कर बोली। अगर हो सके तो समझा देना उन्हें, घर को कबाड़ खाना बनाने पर तुली हुई है। विमल भैया को भी साथ लाएंगी तो वह शायद उन्हें समझा पाएंगे। बड़ी प्यारी लगती है ना उन्हें छोटकी चाची। चाय खत्म होते ही अनामिका भाभी उठ खड़ी हुई और बात को ठीक तरह से समझाए बिना ही चली गई। मैंने अपने पति विमल को अनामिका भाभी के बातों से अवगत तो करा दिया था, लेकिन बच्चों की परीक्षाएं, घर के अनगिनत काम और बीच बीच में आ जाने वाले मेहमानों के कारण हम लोग चाची के घर की दिशा भूल गए थे। तभी एक दिन मेरी मौसेरी बहन अदिति दोपहर को मिलने आई। उसने एमए बीएड कर रखा था, पर दोनों बच्चे छोटे होने के कारण नौकरी नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके परिवार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता थी। न गांव में अपना खुद का घर था, न यहाँ किराए का घर ढंग का था। दो देवर पढ़ रहे थे, उनका खर्चा वही उठाती थी। सास बीमार थी, इसीलिए पोतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। ससुर गांव की टुकड़ा भर जमीन को संभाल कर जैसे तैसे अपना काम चलाते थे। फिर भी अदिति की कार्य कुशलता और स्नेह भरे स्वभाव के कारण परिवार खुश रहता था। जब भी मैं उसे देखती, मेरे मन में प्यार उमड़ पड़ता, मैं खुश हो जाती। उस दिन भी वह हंसती हुई आई, एक बड़ा सा पैकेट मेरे हाथ में थमा कर बोली, लो भरपेट मिठाई खाओ। क्या बात है, इस परिवार नियोजन के युग में कहीं अपने बेटों के लिए बहन के आने की संभावना तो नहीं बताने आई, मैंने मजाक में पूछा। धत दीदी, अब तो हाथ जोड़ लिए हैं। रही बहन की बात तो तुम्हारी बेटी मेरे आयु और विराट की बहन ही तो है, पर मिठाई बिना जाने ही खा लूं तो सुनो, पिछले 3 महीने से मैं खुद के पांवों पर खड़ी हो गई हूं, यानी कि नौकरी। उसने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया। बिना मिठाई खाए ही मेरा मुंह मीठा हो गया। तभी मुझे उसके बच्चों की याद आई, और आयु विराट उन्हें कौन संभालता है। तुम कब जाती हो, कब आती हो, कहाँ काम करती हो। अरे दीदी जरा रुको तो बताती हूँ। उसने मिठाई का पैकेट खोला, चाय छानी, बिस्कुट ढूंढ कर सजाए, तब कुर्सी पर आसन जमा कर बोली, सुनो, अब नौकरी एक पब्लिक स्कूल में लगी है, तनख्वाह अच्छी है, सवेरे 9 बजे से शाम को 3 बजे तक, और बच्चे तुम्हारी छोटी चाची के पास छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ। क्या? जी हाँ, छोटी चाची कई बच्चों को संभालती हैं, बहुत प्यार से देखभाल करती हैं,
खा पी कर पीछे एक खुशनुमा ताजगी में फंसे हुए प्रश्न मेरे लिए छोड़कर अदिति चली गई। छोटकी चाची ऐसा क्यों कर रही थी? अनामिका भाभी क्या इसी कारण से नाराज थी? बात तो ठीक है। शाम को विमल ने मेरे प्रश्नों के उत्तर में कहा, फिर भैया भाभी दोनों कमाते हैं। छोटकी चाची के कारण उन्हें समाज की उठती उंगलियां सहनी पड़ती होंगी। हमें चाची को समझाना चाहिए। विमल कभी दोपहर को बिना किसी को बताए पहुंचकर तमाशा देखेंगे और चाची को अकेले में समझाएंगे। शायद औरों के सामने उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं होगा, मैंने सुझाव दिया। विमल ने एक दिन दोपहर को छुट्टी ली और तब हम अचानक आकाश भैया के घर पहुंचे। भैया भाभी काम पर गए हुए थे। घर में 12 बच्चे थे। छोटकी चाची एक प्रौढ़ा स्त्री के साथ उनकी देखभाल में व्यस्त थी। कुछ बच्चे सो रहे थे। एक को चाची बोतल से दूध पिला रही थी। उनकी प्रौढ़ा सहायिका दूसरे बच्चों के कपड़े बदल रही थी। चाची बड़ी खुश नजर आ रही थी। साफ कपड़े, हंसती आंखें, मुख पर संतोष तथा आत्मविश्वास की झलक, सेहत भी कुछ बेहतर ही लग रही थी। चाची जी, आपने तो अच्छी खासी बाल वाटिका शुरू कर दी, मैंने नमस्ते करके कहा। चाची हंस कर बोली, अच्छा लगता है बेटी, स्वार्थ के साथ परमार्थ भी जुटा रही हूँ, पर आप थक जाती होंगी। विमल ने कहा, इतने सारे बच्चे संभालना हंसी खेल तो नहीं। ठहरो, चाय पीकर फिर तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। वह सहायिका को कुछ हिदायतें देकर रसोई घर में चली गई। यहीं आ जाओ बेटे, उन्होंने हम दोनों को भी बुला लिया। देखो विमल, अपने पोते पोती के पीछे भी तो मैं दौड़ धूप करती ही थी, तब तो कोई सहायिका भी नहीं थी। चाची ने नाश्ते की चीजें निकालते हुए कहा, अब वसुधैव कुटुंबकम की उम्र है न मेरी, इन सभी को पोते पोतियां बना लिया है मैंने। फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी अदिति के भी तो दोनों नटखट यही हैं, सोए हुए हैं, दोपहर को सबको घंटा भर सुलाने की कोशिश करते हैं, शाम को 5 बजे मेरा यह दरबार बर्खास्त हो जाता है, तब तक आकाश के बच्चे आराध्या और मोहित भी आ जाते हैं। पर चाची आपको आराम छोड़कर इस उम्र में ये सब झमेले, क्या जरूरत थी इसकी? तुमसे एक बात पूछूं बेटी, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे भैया भाभी के साथ रहते हैं ना, खुश हैं वह? मेरी आंखों के सामने भाभी के राज में चुप्पी साधे मोहताज से बने मेरे वृद्ध माता पिता की सूरतें घूम गई। न कहीं जाना न आना, कपड़े भी सबकी जरूरतें पूरी करने के बाद ही उनके लिए खरीदे जाते। वे दोनों कोनों में बैठे रहते, किसी के रास्ते में अनजाने से कहीं रोड़ा न बन जाएं, इसकी फिक्र में सदा घुलते रहते। मेरी आंखें अनायास ही नम हो गई। चाची ने धीरे से मेरे बाल सहलाए, बेटी तू विमल को मेरी बात समझा सकेगी? मैं तेरी आंखों में तेरे माता पिता की लाचारी पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब तुझ किसी वयोवृद्ध पर बोझ आ पड़े तब आंखों की इस नमी को याद रखना। विमल के चेहरे पर प्रश्न था। सुनो बेटे, पति की कमाई या मन पर जितना हक पत्नी का होता है, उतना बेटे की कमाई या मन पर माँ का नहीं होता। इसी कारण से आत्मनिर्भर होना मेरे लिए जरूरी हो गया था। रही बात काम की, तो पापड़ अचार मुरब्बे बनाना भी तो काम ही है, जिन्हें करते रहने पर भी करने वालों की कद्र नहीं की जाती। घर में रह कर भी अगर ये काम हमने भी कर लिए तो कौन सा तीर मार दिया? बहू कमाएगी तो सास को यह सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाची ने एक गहरी सांस ली। कब आते हैं बच्चे? विमल ने धीरे से पूछा। 9 बजे से शुरू हो जाते हैं, कोई थोड़ी देर से या जल्दी भी आ जाते हैं कभी कभी। मेरी सहायिका भी जल्दी आ जाती है, उसे भी मैं कुछ देती हूँ, वह खुशी से मेरा हाथ बटाती है। फिर मैंने पूछा, और भी बच्चों के आने की गुंजाइश है? पूछने तो आते हैं लोग, पर मैं मना कर देती हूँ, इससे ज्यादा रुपयों की मुझे आवश्यकता नहीं, सेहत भी संभालनी है ना। चाय खत्म हो चुकी थी, सोए हुए बच्चों के जागने का समय हो रहा था, इसीलिए नमस्ते कहकर हम चलना ही चाहते थे कि चाची ने कहा, बेटी दिवाली के बाद मैं एक यात्रा कंपनी के साथ 15 दिन घूमने जाने की बात सोच रही हूँ, अगर तुम्हारे माता पिता भी आना चाहें तो।
मैं चुप रही। भैया भाभी इतने रुपए कभी खर्च न करेंगे, मैं खुद तो कमाती नहीं। चाची को भी आकाश भैया ने कई बहानों से यात्रा के लिए कभी नहीं जाने दिया था। उनकी बेटियां भी ससुराल के लोगों को पूछे बिना कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब चाची खुद के भरोसे पर यात्रा करने जा रही थी। अंजू के माता पिता भी आपके साथ जरूर जाएंगे चाची, अचानक विमल ने कहा। आप कुछ दिन पहले अपने कार्यक्रम के बारे में बता दीजिएगा। अनामिका भाभी और आकाश भैया की नाराजगी का साहस से सामना करके छोटकी चाची ने एक नया द्वार खोल लिया था अपने लिए, देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए और अदिति जैसी सुशिक्षित जरूरतमंद माताओं के लिए। हर एक के लिए इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता संभव तो नहीं, पर अगर यह नहीं तो दूसरा कोई दरवाजा तो खुल ही सकता है ना। जीवन बहुत बड़ा उपहार है हम सब के लिए, उसे बोझ समझकर उठाना या उठवाना कहाँ तक उचित है। क्यों ना अंतिम सांस तक खुशी से, सम्मान से जीने की और जिलाने की कोशिश की जाए। क्यों ना किसी नए द्वार पर धीरे से दस्तक दी जाए, वह द्वार खुल भी तो सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।